हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ इथेरियम और कार्डानो के बारे में। कार्डानो क्या है? एडा, जिसको हम कहते हैं एडा कॉइन। एंड बेसिकली जितने भी लोग क्रिप्टो में हो गए काफ़ी समय से अभी, तो वो जानते हो गए एडा क्या है, कार्डानो। एंड कार्डानो और इथेरियम जो हैं बहुत बढ़िया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बने दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया है। इथेरियम तो पहला वो ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, डी एप्स बनाने इंट्रोड्यूस किए। तो इनके बारे में एक डेटा है जो मुझे आपको बताना है, कुछ बातें हैं जो करनी है कार्डानो को लेकर भी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड पूरा देखिएगा शुरुआत से आखिर तक। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना एंड टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर समय से आपको अपडेट मिल जाती है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले इस डेटा को देख लेते हैं। 86% ऑफ करंट इथेरियम होल्डर्स आर इन प्रॉफिट, नियरली डबल कार्डानोज 45%। तो कहने का मतलब ये है कि 86% जो लोग इथेरियम को होल्ड किए हैं ना, जो इनटू द ब्लॉक करके एक साइट है जो क्रिप्टो इंटेलिजेंस डेटा प्रोवाइड कराती है, तो उसमें बताया है कि 86% जो इथेरियम के होल्डर हैं वो प्रॉफिट में हैं, और इसके आधे लगभग 45% जो कार्डानो के होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट में हैं। तो इथेरियम की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बियरिश मोड बन रहा है। एंड इसके आप बावजूद इथेरियम जो है, यहाँ पर इथेरियम के लोगों ने स्टेक करा के रखा है। आपको पता होगा एक डेटा आया था जिसमें मैंने आपको बताया था इथेरियम 2.0 के लिए कितने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अपने इथेरियम स्टेक करा के रखे हैं, मिलियंस में है। तो एक बड़ी बात है कि लोग अब इथेरियम पे अभी भी विश्वास करते हैं एंड उसके आने वाले अपडेट्स हैं जो इथेरियम 2.0 उसके लिए वेट कर रहे हैं। ये एक चीज़ है, इट कैन बी प्रेज्यूम दैट द प्रॉफिट रिटर्न्स ऑफ द टू क्रिप्टो करेंसीज आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पेसिफिक नेटवर्क्स इन एक्टिविटी इन रीसेंट वीक्स। इथेरियम रिमेन्स अ नोटेबल डिजिटल करेंसी, हैविंग अटेंड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 4,328। अब बता देता हूँ इथेरियम में क्यों बूम आया और इथेरियम क्यों आगे चलेगा और बहुत ज़्यादा चलेगा। पहली चीज़, इथेरियम सेंट्रल प्लेयर है डिफाई सेक्टर बूम का, यानी कि आपको पता होगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि यूनिस्वैप हो गया, बहुत सारे ऐसे जो हो गए जो आपको डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में आपको ट्रेड कराते हैं, यानी आप किसी कॉइन को बाय कर सकते हो, तो वो सब ज़्यादातर मोस्टली इथेरियम पे बन रहे हैं। दूसरी चीज़, इथेरियम का रोल एनएफटी मार्केट में सबसे बड़ा है, सारे एनएफटी प्रोजेक्ट्स जो हैं मोस्टली इथेरियम के बनते हैं ERC20 पे, इसलिए इथेरियम पे एनएफटी का भी बूम आएगा, इथेरियम पे डीफाई का भी बूम आएगा। दूसरी चीज़, इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा जाता है, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इथेरियम जो है बहुत आगे जाएगा लंबा, ठीक है। एंड बहुत से लोग जो नए आते हैं वो लोग यही गलती करते हैं कि इथेरियम के छोटे से गेन के चक्कर में उसका बड़ा पिक्चर नहीं देख पाते हैं। इथेरियम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा जाने वाला है, आपको बीच बीच के जितने भी डिप मिलते हैं ना, इथेरियम को इकट्ठा करते जाओ। अभी मैं आपको कार्डानो का भी बताऊंगा। कार्डानो हैज रिकॉर्डेड अ फेयर शेयर ऑफ इंटरेस्ट ओवर द प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन यूटिलिटी एबिलिटीज। इन एडिशन द नेटवर्क इज बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर। ये तो मैंने आपको बताया कि कार्डानो में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा था। अभी रिसेंटली जो डेटा आया था, जो सबसे पहले मई में आया था जब डिप आई थी, तो उस समय इंस्टीट्यूशन कार्डानो को ले रहे थे अच्छा खासा। कार्डानो ने रिसेंटली एक डेटा बताया, वो बताया कि कार्डानो ने 100% डिसेंट्रलाइजेशन अचीव कर दिया है, जो इस आर्टिकल में जो मैं आपको समझाऊंगा अभी। एज अ रिजल्ट विद द होप ऑफ विटनेसिंग अनदर प्राइस रैली, यानी कि एक और प्राइस रैली आने वाली है जल्दी एडा को लेकर। आपको पता है एडा पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से जो है एक्टिव हो जाएंगे सितंबर तक। तो एडा की एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि टोटल स्टेकिंग वॉलेट जो हो गए हैं उस एड्रेसेस वो हो गए 6,50,000 से ऊपर, और ये परसों या नरसों के मैंने न्यू डेली क्रिप्टो हिंदी न्यूज़ में आपको समझाया था। तो ये टोटल 2600 पूल से 6,50,000 लोग या फिर 6,50,000 वॉलेट एड्रेस से एडा को स्टेक करा के रखा है, यानी कि उन लोगों को विश्वास है कि एडा कहीं नहीं जाने वाला, एडा को उन्होंने दे दिया है प्रोजेक्ट में ताकि उनको थोड़ा बहुत रिटर्न मिले, मतलब बदले में थोड़ा और एडा मिले। एडिशनली एडा जो है कार्डानो वो काम कर रहा है स्टेबल फीस के भी ऊपर, ताकि वो एक बेस प्राइस रख सके हर ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे आपको पता है इथेरियम 2.0 में होने वाला है, इथेरियम ERP 1559 में हो रहा था, वैसे ही चीज़ एक बेस फीस इसमें भी वर्क कर रहे हैं। ये कार्डानो का वो पोस्ट अनाउंसेस 100% डिसेंट्रलाइजेशन फॉर ब्लॉक प्रोडक्शन। 100% डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? बिटकॉइन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जो माइनिंग नेटवर्क की हैश पावर है ना, वो अगर 50% लोग जो है मिल जाएं तो वो पूरे ब्लॉकचेन को बदल के रख सकते हैं बिटकॉइन को। इसलिए जो है बिटकॉइन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज है। तो जो कार्डानो है उसने यहाँ पर प्रूफ किया है कि तीन मेन पिलर, ब्लॉक प्रोडक्शन, नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस, ये तीनों चीज़ें कार्डानो की किसके हाथ में है? उसके पूल्स के पास में है, यानी पूल्स जो हैं उसके
यानी कि जो उसके लोग हैं जिन्होंने स्टेक करा के रखा वही ये सब चीज़ें कर सकते हैं, वो ब्लॉक बनाने में मदद कर रहे हैं, एंड यही प्रूफ ऑफ स्टेक का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये चीज़ जो है जो मुझे आपको बतानी है एंड ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अचीविंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्लॉक प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट नॉट जस्ट फॉर कार्डानो बट ऑल्सो द वाइडर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, क्योंकि ब्लॉकचेन का तो यही रीज़न था, यही एग्जिस्टेंस का यही पोटेंशियली यही मोटिव है ब्लॉकचेन का कि डिसेंट्रलाइजेशन हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स फुल डिसेंट्रलाइजेशन एंड लिविंग अप टू द प्रॉमिसेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाय क्रिएटिंग अ ग्लोबल सिस्टम विच इज ट्रूली इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटीज पुशिंग पावर टू द एजेस। यानी कहने का मतलब ये कार्डानो को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्टेक करा के रखा है और उसकी वजह से जो वो लोग हैं वही इसके ब्लॉक बनाने में मदद करते हैं। आपको पता है प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे वर्क करता है? अगर नहीं पता है तो मैं आगे चल के एक वीडियो लाऊंगा जरूर प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक समझाने के लिए। तो गाइज ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी है कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर जो है कार्डानो का भी अच्छा होने वाला है, इथेरियम का भी अच्छा होने वाला है, और ये चीज़ जो डेटा है ये साफ बताता है। इथेरियम में लोगों ने होल्ड करके रखे 86% लोगों ने जिन्होंने होल्ड किया, होल्डिंग की तो बात ही छोड़ो, बहुत से लोगों ने अपना स्टेक करा के रखा है, और इथेरियम जितनों ने भी होल्ड करके रखा उनमें 86% लोग प्रॉफिट में ही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कार्डानो के 45% लोग यानी आधे लोग प्रॉफिट में है कार्डानो में, ठीक, जिन्होंने कार्डानो को अपना स्टेक करा के रखा। तो कार्डानो का भी डेटा आया 6,50,000 वॉलेट से स्टेक है, इथेरियम का भी डेटा आया था जो मैंने आपको बताया था मिलियंस ऑफ इथेरियम 2.0 कॉन्ट्रैक्ट में गए हुए हैं। तो ये चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी, आई होप आपको समझ में आई हो कि दोनों का फ्यूचर बहुत बेटर है एंड आप इस डिप में बाय कर रहे हो तो अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।